हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एमआई टेक्निकल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंप्रेसर, फैन मोटर, स्विंग मोटर, सेलेक्टर स्विच, पीसीबी, थर्मोस्टेट, ओएलपी, वोल्टेज रिले और कैप्स हीटर के बारे में। उन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये वो भाग है जो एसी में प्रयोग किए जाते हैं और एसी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, जिसमें वायरिंग किया जाता है। तो उन सब के बारे में हम लोग आज यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहला जो भाग हमारा है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल भाग, यानी जितने भागों के नाम हमने लिया है ये सब के सब इलेक्ट्रिकल भाग है। इलेक्ट्रिकल भाग कहते किसे हैं? एसी के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, जिसमें वायरिंग किया जाता है, जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल और फेस की आवश्यकता पड़ती है, उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। यानी एसी के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, जिसमें वायरिंग किया जाता है, जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल और फेस की आवश्यकता होती है, उसे एसी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले हमने कुछ भागों के नाम बताए, जिसमें नंबर एक भाग हमारा था कंप्रेसर। कंप्रेसर एक महत्वपूर्ण भाग है। देखिए, ये है कंप्रेसर, और कंप्रेसर का कार्य होता है कि गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। गैस को एक स्थान से खींचता है, दूसरी साइड से फेंकता है। कंप्रेसर एक इलेक्ट्रिकल विभाग है और मैकेनिकल विभाग है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई भी दिया जाता है। यहां पे पॉइंट में कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का होता है और इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई भी दिया जाता है और इसमें गैस का संचार भी होता है। इसमें सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन की पाइपें भी होती हैं। इस तरह से कंप्रेसर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों भाग होता है। कंप्रेसर के बाद हमारा जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग हमारा है ये फैन मोटर। फैन मोटर, ये देखिए, फैन मोटर का कार्य क्या होता है कि फैन मोटर का कार्य होता है एसी की जो फैन है, इसमें देखिए एक ही फैन मोटर पे, एसी के फैन मोटर पे दो शाफ्ट लगे होते हैं। एक ही शाफ्ट लगा होता है, दोनों एक शाफ्ट लगा होता है और एक शाफ्ट के दोनों साइड में फैन लगे होते हैं। एक साइड में होता है कंडेंसर फैन और एक साइड में होता है ब्लोअर फैन। एक साइड में कंडेंसर फैन और एक साइड में ब्लोअर फैन होता है। यानी कि जो कंडेंसर की साइड लगा होता है, जिसमें पत्तियां बनी होती हैं, वो कंडेंसर फैन होता है, और जो ब्लोअर फैन होता है वो दिखाई नहीं देता। वो ब्लोअर फैन प्लास्टिक का बना होता है, अंदर लगा होता है एवापोरेटर के सामने, तो वो ब्लोअर फैन होता है। तो इस प्रकार से कंडेंसर फैन और ब्लोअर फैन दो मोटर नहीं होते, मोटर एक ही होता है। एक ही मोटर के शाफ्ट पे एक को चलाने से दूसरा भी चलता है, दूसरे को चलाने से पहला भी चलता है, यानी होते तो दोनों एक ही है ना। तो इस तरह से हमारा ये है दूसरा भाग फैन मोटर। और जो हमारा तीसरा भाग है स्विंग मोटर। स्विंग मोटर क्या होता है? ये आगे जो एसी से जब हवा निकलती है ना, हवा को दिशा देने का कार्य करता है। जैसे कि देखिए, आप कूलर में भी देखे होंगे, जो घर पे कूलर है, रूम कूलर ना, उसमें भी हाथ से ऐसे उठाने के लिए ग्रिल दिया होता है। और कुछ कूलर होते हैं कि ऑटोमेटिक वो ग्रिल धीरे धीरे ऐसे ऊपर और नीचे चलती है, ऊपर और नीचे चलती है। तो वो जो ऑटोमेटिक तरीके से धीरे धीरे ऊपर और नीचे होता है, उसी को ऊपर और नीचे या फिर लगातार जो ऐसे दाएं या बाएं चलाने का जो कार्य करता है, वो स्विंग मोटर का कार्य होता है। स्विंग मोटर एक बहुत छोटा सा मोटर होता है और इसमें न्यूट्रल और फेस की सप्लाई दिया जाता है। 220 वोल्ट के एसी सप्लाई से डायरेक्ट चलता है ये स्विंग मोटर। इतना छोटा होने के बाद भी 220 वोल्ट के एसी सप्लाई से कार्य करता है, और इतना लाइट देने के बाद भी इसकी खासियत ये है कि इसका जो आरपीएम है, आरपीएम का मतलब राउंड प्रति मिनट, मतलब एक मिनट में ये कितना चक्कर घूमता है, तो इसका जो आरपीएम है वो होता है मात्र 4 से 6, यानी कि एक मिनट में सिर्फ 4 से 6 चक्कर के बीच में ये मोटर घूमता है। तो इसका हो गया हमारा स्विंग मोटर, जो ग्रिल को ऊपर नीचे या दाएं बाएं करने का कार्य करता है, जिससे हवा को दिशा मिलती है। और जो हमारा अगला पार्ट है, हमारा इसमें अगला है हमारा सेलेक्टर स्विच। सेलेक्टर स्विच क्या होता है? ये वो स्विच होती है जिससे एसी के सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। फैन को हाई, मीडियम, लो किया जाता है, कंप्रेसर को ऑन ऑफ किया जाता है, यानी पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक सेलेक्टर स्विच का प्रयोग करते हैं। एक स्विच होती है जिसको घुमाने से खटके पे काम करती है, वो सेलेक्टर स्विच कहलाती है। और ये जो सेलेक्टर स्विच एसी में किया जाता है, नॉर्मल तरीके से बात किया जाए कि एक दो है, जिसमें एक है 5 पिन सेलेक्टर स्विच और एक है 6 पिन सेलेक्टर स्विच। 5 पिन सेलेक्टर स्विच में तार जोड़ने के लिए टोटल 5 पॉइंट बने होते हैं और 6 पिन में तार जोड़ने के लिए टोटल 6 पॉइंट बने होते हैं। यानी 5 पिन सेलेक्टर स्विच में तार जोड़ने के लिए टोटल 5 पॉइंट बने होते हैं और 6 पिन में सेलेक्टर स्विच में तार जोड़ने के लिए टोटल 6 पिन बने होते हैं। तो इस प्रकार से होता है, ये हमारा 5 पिन है और एक हमारा है ये 6 पिन। इस प्रकार से हमारा ये दोनों कार्य करते हैं। तो ये पूरी तरह से कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। बता दें, 5 पिन सेलेक्टर स्विच का प्रयोग जब एसी, अगर एसी जो है, फैन जो है उसका, वो हाई और लो, यानी दो स्पीड में चलता है, हाई भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं, तो वहां पे 5 पिन सेलेक्टर स्विच लगती है। और जब एसी का फैन मोटर हाई, मीडियम, लो, यानी तीनों स्पीड में चलता है, तो 6 पिन लगती है। 6 पिन का मतलब 1 पिन इसमें बढ़ गई। और 1 पिन बढ़ती क्यों है? क्योंकि फैन मोटर में अगर एक
स्पीड मीडियम का बढ़ जाएगा तो एक पिन भी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि उसमें कनेक्शन तो करना है ना। तो ये हमारी होती है सेलेक्टर स्विच, और सेलेक्टर स्विच के बाद अगला पार्ट हमारा है पीसीबी। पीसीबी क्या होता है, देखिए सेलेक्टर स्विच और पीसीबी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं ऐसा कह सकते हैं। पीसीबी लगेगी तो सेलेक्टर स्विच नहीं लगेगी, और अगर सेलेक्टर स्विच लगेगी तो पीसीबी नहीं लगेगी। पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी प्रिंट किए हुए सर्किट वाला बोर्ड, यानी ये वो बोर्ड होता है जो रिमोट से काम करता है। यानी अगर एसी रिमोट से काम करती है तो उसमें सेलेक्टर स्विच लगाने की जरूरत नहीं है, वो रिमोट से काम करेगी बहुत ही बढ़िया। और रिमोट से कार्य करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, पीसीबी। पीसीबी एक इलेक्ट्रिक पार्ट है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसका पूरा नाम होता है, और इसे हिंदी में कहते हैं मुद्रित परिपथ बोर्ड। मुद्रित परिपथ बोर्ड यानी मुद्रित किया हुआ, छपा हुआ, परिपथ मतलब रास्ते वाला बोर्ड, तो यह होता है मुद्रित परिपथ बोर्ड। और इसके बाद अगला पार्ट हमारा है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है, यह कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। यानी अगर एसी चल रही है, चलते चलते आवश्यकता से ज्यादा ठंडा कर रही है, तो कूलिंग को कंट्रोल भी तो करना होगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं बहुत ज्यादा से ज्यादा ठंडा करवाना है, बहुत ज्यादा ज्यादा ठंडा करवाना है, पता चला सोया हुआ व्यक्ति सोया ही रह गया सुबह तक, तो बहुत अधिक ठंडा भी तो नहीं करवाना है। तो कूलिंग को कंट्रोल करना, यानी एसी के कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट की बहुत ही विस्तार से वीडियो बनी हुई है, जो कि हमने फ्रिज में बताया हुआ था। फ्रिज में भी वही थर्मोस्टेट प्रयोग किया जाता है जो कि एसी में किया जाता है, काम भी सेम है, कूलिंग को कंट्रोल करना। कूलिंग को कंट्रोल करने का मतलब अगर एसी चलते चलते आवश्यकता से अधिक ठंडा करती है तो अपने आप एसी को बंद कर देगा, और जैसे ही टेम्परेचर यानी कि तापमान सामान्य होगा तो अपने आप पुनः दोबारा चालू भी कर देगा। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली, यानी अपने आप 24 घंटे आप लगातार चला के छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन एक और है, थर्मोस्टेट का प्रयोग केवल सेलेक्टर स्विच के साथ किया जाता है। यानी जब एसी को हाथ से घुमाने वाले, पुराने समय की जो बातें, एसी जो हाथ से घुमाई जाती थी, कंट्रोल किया जाता था सेलेक्टर स्विच के द्वारा, उसी में थर्मो स्टेट का प्रयोग किया जाता है। यानी जो एसियां रिमोट से काम करती हैं उसमें सेलेक्टर वो थर्मोस्टेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी जो एसी रिमोट से काम करती है उसमें सेलेक्टर ये थर्मोस्टेट का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें लगा होता है वो रिमोट सेंसर, वायर सेंसर वायर लगा होता है जो ऑपरेटर से टच होता है, और अधिक कूलिंग होने पर कूलिंग को कंट्रोल भी करने का कार्य करता है, वो होता है वायर सेंसर। और उसके बाद अगला पार्ट हमारा ओएलपी। ओएलपी, ओएलपी का पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड प्रोटेक्टर ओएलपी का कार्य होता है हीटिंग को कंट्रोल करना। थर्मोस्टेट कूलिंग को कंट्रोल करता है और ओएलपी हीटिंग को कंट्रोल करता है। हीटिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर एसी का कंप्रेसर जो मोटर है अगर वो चलते चलते आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाता है तो अपने आप उसे कट कर देगा, अपने आप उसे बंद कर देगा। यानी उसको बहुत देर तक दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं कि मोटर जल जाएगा, उसको 24 घंटे नहीं चला सकते, ऐसा कुछ नहीं। आप अनलिमिटेड चलाइए, लगातार चलाइए, कोई फर्क नहीं है। एसी ज्यादा ठंडा होगी तो भी बंद होगी, एसी ज्यादा गर्म होगी तो भी बंद होगी, यानी अपने आप वो काम करता रहेगा। कंप्रेसर मोटर अगर आवश्यकता से अधिक गर्म होता है तो अपने आप उसमें ओएलपी लगी होगी जो कि हीटिंग को कंट्रोल कर लेगी, अपने आप हीटिंग को बंद कर देगी। इसके बाद अगला पार्ट हमारा वोल्टेज रिले क्या होता है। जैसे कि हमने फ्रिज में पढ़ा था ओपन टाइप रिले, बॉक्स टाइप रिले, वो जो रिले थे वो सब करंट रिले के अंतर्गत आते हैं, लेकिन एसी में जो रिले प्रयोग किया जाता है वो होता है हमारा ऐसा वोल्टेज रिले। वोल्टेज रिले का कार्य क्या होता है, वोल्टेज रिले का कार्य होता है रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ मिलकर कंप्रेसर मोटर को चलाना। इसमें कैपेसिटर भी तो लगता है ना, तो रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ मिलकर कंप्रेसर मोटर को ऑन करना वोल्टेज रिले का कार्य है। यानी वोल्टेज रिले में 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर की पिनें दी होती है, इसमें 3 नंबर की पिन नहीं होती है। 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर की पिन होती है, नंबर इस पे लिखा होता है, इसमें 3 नंबर की पिन नहीं होती। इसका कनेक्शन भी आसान है, कनेक्शन बाद में बताएंगे आपको। तो ये होता है वोल्टेज रिले जो रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ मिलकर कंप्रेसर मोटर को चलाने का कार्य करता है। इसके बाद अगला पार्ट हमारा है कैपेसिटर। तो हमने बता दिया एसी में जो प्रयोग होने वाला कैपेसिटर होता है वो रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों प्रयोग किया जाता है। रनिंग भी प्रयोग किया जाता है और स्टार्टिंग भी किया जाता है। रनिंग कैपेसिटर का कार्य जानते हैं किसी भी मोटर को लगातार चलाना, रन कराना है, और स्टार्टिंग कैपेसिटर का कार्य किसी भी मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देके स्टार्ट करना होता है। ये होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। अगर वीडियो पसंद आई और ऐसी वीडियो एसी का आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी बजाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।